हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक मोबाइल के हॉटस्पॉट से दूसरे मोबाइल में इंटरनेट कैसे चलाएं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग या हॉटस्पॉट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर हॉटस्पॉट रहता है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर पर्सनल हॉटस्पॉट मिल जाएगा, या फिर आप अगर सर्च बार में क्लिक करके लिखेंगे हॉटस्पॉट तो आ जाएगा हॉटस्पॉट। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए वही सेटिंग है। या फिर आप सिंपली यहाँ से भी आ सकते हैं कनेक्शन एंड शेयरिंग से, फिर पर्सनल हॉटस्पॉट और यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको हॉटस्पॉट को चालू कर देना है। देखिए इंटरनेट हमारा चालू है, और जैसे ही हॉटस्पॉट चालू करेंगे अब दूसरे मोबाइल में आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ सेटिंग है, इन्हें चलिए हम सेटिंग आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जो पहली सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डिवाइस का नेम देख सकते हैं कि कौन सा नाम है हॉटस्पॉट का। और यहाँ पर सिक्योरिटी पे क्लिक करके आप चाहें तो हॉटस्पॉट का पासवर्ड हटा सकते हैं। नन पे क्लिक करके सेव कर देंगे, पासवर्ड हट जाएगा। अब गाइस इसी के नीचे एक सेटिंग आपको मिलेगी, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको मैक्सिमम अलाउड कनेक्शन, यहाँ पर आप एक बार में कितना हॉटस्पॉट से वाईफाई चलाना चाहते हैं यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। तो अगर एक मोबाइल कनेक्ट करना है केवल तो एक पे रहने देना, दो करना है तो दो पे कर लेना, अपने हिसाब से कर लेना। तो चलिए हम दो पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए अब अपने हॉटस्पॉट से दो वाईफाई कनेक्ट करके हम चला सकते हैं दो मोबाइल में। और यहाँ पर डेटा रिस्ट्रिक्शन है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए कितना एमबी चलाना चाहते हैं आप सेट कर सकते हैं डेटा रिस्ट्रिक्शन से। तो यहाँ पर देखिए अपने हिसाब से कर लेना, तो मैं 200 MB सेव कर देता हूँ। अब सिंपली बैक आते हैं, और अब आपको क्या करना है, सिंपली दूसरे मोबाइल में हॉटस्पॉट नहीं उसमें वाईफाई चालू करना है। तो मैं इसी पे बता रहा हूँ, आप इसी प्रकार कर लेना दूसरे फ़ोन पे। तो वाईफाई जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पर रिफ्रेश होगा, और जैसे ही रिफ्रेश होगा तो उस मोबाइल का नाम आ जाएगा जिसका हॉटस्पॉट खुला रहेगा, और उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा अगर पासवर्ड नहीं लगा रहेगा तो। अगर पासवर्ड लगा रहेगा तो पासवर्ड देखकर आप पासवर्ड टाइप कर देना। जैसा कि मैंने बताया पासवर्ड कैसे चेक करेंगे, कनेक्शन एंड शेयरिंग पे जाना है और यहाँ पर हॉटस्पॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप क्लिक करके पासवर्ड यहाँ से देख सकते हैं। और इस प्रकार आप गाइस एक दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।